तो भाई सारे भाई ने राम राम। आज धूप तो गाम तो बहुत गनी थे जोरी भाई, बादल तो हो रहे थे पर बहुत गाम लिगड़ाई। हाँ तो भाई जो चैनल पे भाई नया है तो चैनल सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, तो भाई ने सपोर्ट करे। तो मैंने लास्ट पिछली वीडियो में भाई बताया था आपको, पेट्रोल के डलवा के लाया था तो उसमें मैंने एक पाउच डलवाया था, तो उस पाउच के बारे में मैं थोड़ा सा सारे भाइयों ने बताना चाहूँगा। तो उसका पेट्रोल एडिटिव रहा है, इसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो हम दोनों चीज़ पर वो बात बताऊंगे कि के फ़ायदे हैं के नुकसान हैं। तो चलो भाई बने रहो वीडियो में, इब दिखावा है के नुकसान के फ़ायदा। तो भाई ये है पेट्रोल प्लस का पेट्रोल एडिटिव, ठीक है भाई, 10 रुपये का मिलेगा। और ये सिर्फ मिलेगा अपने इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है उस पर। अगर दूसरा कोई आप पेट्रोल एडिटिव लोगे तो अलग अलग पेट्रोल पंप पे भाई क्यों अलग अलग मिलेगा, क्यों इसका मैन्युफैक्चरिंग है जो यानी मार्केट को कर रही तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर रही है, यानी HP वाले पे ही मिलेगा ये, ठीक है। HP वाले भी मिल जाओगा, ये तो कन्फर्म नहीं है, हमारे यहाँ तो ये भाई इंडियन ऑयल वाले पे मिल ही जाओगा है। तो ये भी जगह का तो अलग अलग शायद मिल भी जाना चाहिए पर कुछ नहीं बता सकते। तो भाई ये अपना 5 ml का पाउच है और 5 लीटर पेट्रोल में ये डलेगा, तो रेगुलर यूज करना है भाई, इसका मैक्सिमम बेनिफिट आओगा तब इनके स्किल और हाथ वगैरह स्किन वगैरह पे लागण नहीं देना। तो भाई और ये बना रही है USA कंपनी है कोई, मार्केट का तो पता चल गया HP का, और मैन्युफैक्चरिंग का है भाई हिमाचल प्रदेश में, तो इसको बना रही है। 10 रुपये का पाउच मिलता 5 ml का, ठीक है भाई। तो उसके बारे में बताऊँ फ़ायदा भी और नुकसान भी। तो भाई जो अपने नई बाइक रहे, नई बाइक में तो इसी कोई दिक्कत रहती नहीं, तो 25 या 30 हज़ार किलोमीटर तक तो इसकी मेरे हिसाब से डालने की ज़रूरत है नहीं। अगर इनके हिसाब डालो भी तो डाल सको, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है ना कोई फ़ायदा, फ़ायदा तो थोड़ा बहुत होगा ही। तो जो पुरानी है उस बाइक में इसने हम यूज कर सके हैं, क्यों यूज कर सके हैं, क्यों 25,000-30,000 किलोमीटर चले पीछे बाइक में कुछ ना कुछ कार्बन वगैरह इंजन में हो गया, कार्बोरेटर में हो गया, फ्यूल इंजेक्ट में हो गया, यानी अपना जो यानी बर्न रहा है जो जिसमें धुआं है यानी पेट्रोल जला है और वहाँ धुआं निकला है उसमें हो गया, तो उसमें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा रहा है। जब भी हमें ये चीज़ पेट्रोल एडिटिव डालेंगे तो उसमें ये चीज़ कार्बन नहीं डलने देगी बिल्कुल भी, हके भी कार्बन डलने देगी बिल्कुल नहीं डलने देगी भाई बनने देगी, तो वो कार्बन नहीं बनेगा तो अपनी बाइक ठीक चलेगी, तो बाइक अपना कार्बन बनाएगा नहीं तो बाइक ठीक चलेगी। तो भाई और जैसे अपनी बाइक मिसिंग मारती हो यानी झटके वटके लेती हो, एवरेज का इशू हो, तो इसमें रेगुलरली नूनी का भाई एक में एक बार डलवाया 5 लीटर में अपने छुट्टी फिर भूल जाओ, ना 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 ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, अपना रेगुलर डलवाओ 2 महीने 4 महीने 6 महीने अपना जब भी जब तक यानी ये लगे कि हाँ कुछ वही है, 2-4 बार में ही पता चल जाएगा कि हाँ बाइक में कुछ डला है, तो ये चीज़ तो आपको पता ही लग जाएगी क्यों खुद भी चलाया करो। तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लास्ट टाइम हम गए थे शायद मुनस्यारी गए थे, तो यहाँ से बहुत लंबा पड़ जावा है क्यों अप डाउन मेरा 1470 किलोमीटर अप डाउन पड़ा था, तो बाइक ज़्यादा लंबा इतना मेरे पता आपको पता है मेरे पास वही है जिक्सर, तो रास्ते में ये हीट होके यानी बंद हो गई थी पहाड़ों में, तो कम से कम मैंने 1 घंटा इसने बंद रखे या जब यह स्टार्ट हुई। तो अब की बार मैं इसको लेके गया तो मैंने यहाँ से टंकी फुल कराई, 2 पाउच डलवाए उसमें, ठीक है, और 2 मैं अपने साथ लेके बिल्कुल ऐसे समूह चली, बिल्कुल भाई मज़ा आ गया चलाने में भी, रोनी एवरेज भी बहुत बढ़िया दी थी। तो भाई इसका अपना यूज अपना रेगुलर ही करो तो ठीक है, नई बाइक का तो मैंने बता दिया कोई इसमें में नहीं है, कोई डलवाओ या नहीं डलवाओ पर उसके बाद डलवाना बहुत ज़रूरी है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, तो भाई को भाई सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सारे भाई ने राम राम, जय हिंद।